अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज बात करते हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इमाम हसन और इमाम हुसैन से शदीद मोहब्बत का एक वाक़या, उनके ख़्याल का एक वाक़या। इसे इबन साद ने जाफ़र बिन मोहम्मद अल-बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत किया है। तो इसके रावी भी कौन है? इमाम जाफ़र। और उन्होंने अपने वालिद से इसे रिवायत किया है, इमाम बाकर से। और उन्होंने इसे अपने वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन से रिवायत किया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यानी आप कड़ियाँ देख रहे हैं वाक़े की, इसके रावी देख रहे हैं आप। ये रावी ही ऐसे हैं कि अगर इनके नामों का ज़िक्र किया जाए तो अल्लाह की रहमतें नाजिल। ऐसे लोग हैं, इनके तज़किरे से अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। या अहले बैत अथार में से वो इमाम है। बहरहाल रिवायत को जिस तरह है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास यमन के जोड़े आए, जिन्हें हुल्ले कहते हैं अरबी में, हुल्ले जोड़े आए, ऊपर और नीचे के भी हो कपड़ा होता है। बहरहाल आपने लोगों में तकसीम कर दिए, वो सब ये नए कपड़े पहनकर मस्जिद नबी में आए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर और कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान बैठे हुए थे, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मिंबर के दरमियान रियाजुल जन्ना में बैठे हुए थे। लोग आते, सलाम करते, इनको दुआएं देते। इतने में इमाम हसन और इमाम हुसैन अपनी वालिदा फातिमा रदी अल्लाहु ताला अन्हा के मकान से निकले, लोगों के दरमियान से गुजर रहे थे। हज़रत उमर ने देखा कि इन साहबजादों के जिस्म पर वो हुल्ले नहीं, तो हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अफसरदा हो और उदास भोकर बैठ गए। फिर कहने लगे, खुदा की कसम, वल्लाहि मेरे पास नहीं है कि मैं तुम दोनों को पहनाऊं। यानी हुल्ले खत्म हो गए, काश के होते। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लोगों ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, आपने अपनी रियाया में तकसीम कर दिया, बहुत अच्छा किया, आखिर गमगीन क्यों हैं? कहने लगे, मैं इन बच्चों की वजह से मगमूम हूं कि इनके बदन के मुताबिक हुल्ला नहीं था, हुल्ले बड़े थे तो इसलिए इनको नहीं मिले, और इनके कद छोटे हैं, ये बच्चे हैं अभी। उसके बाद यमन पैगाम भेजा खास कि दो जोड़े जल्द से जल्द हसन और हुसैन के लिए भेजे जाएं। चुनाचे जल्द से जल्द वो जोड़े यमन से भेजे गए, और जब तक इमाम हसन और इमाम हुसैन ने वो जोड़े नहीं पहन लिए, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इत्मीनान से नहीं बैठे। इस वाक़े को एक किताब है अल मुर्तज़ा, उसमें सफ़ा नंबर 187 और 188 पर भी रिवायत किया गया है। इलावा अज़ीं इसे अल इसाबा की जिल्द नंबर 1 सफ़ा 106 पर भी रिवायत किया गया है। इन वाक़ात को बयान करने का मकसद यही है ताकि आपके दिल में ये बात अजबर कर दी जाए, रासिख कर दी जाए आपके जहनों में, आपके दिलों में, कि सहाबा और अहले बैत के आपस के रिश्ते बहुत खूबसूरत रिश्ते थे। कुछ जाहिलों ने, कुछ गासिबों ने, कुछ बुग्ज रखने वाले लोगों ने इनमें इस तरह पेश किए हैं ये रिश्ते कि लोग परेशान हो गए, परागंदा हो गए। और फिर कुछ जाहिलों ने, चाहे उनका ताल्लुक अहले सुन्नत से हो या शिया हजरात से हो, उन्होंने इसके अंदर और जलती का काम किया और अपने आप को बड़ा तुर्रम खान बनाने के लिए लोगों के जहनों में इन चीज़ों को यूं डाला कि लोग सहाबा से बदजन हो गए। अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह हिदायत दे। यानी ऐसे बदबख्त हैं कि रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहकर बुग्ज बयान करते हैं, ऐसे बदबख्त हैं। अल्लाह ताला बचाए, अल्लाह ताला बचाए दिलों के बुख्स से और ऐसे घटिया लोगों की सोहबत से। ये तो वो हैं कि मखमल में लपेट के वार करने वाले हैं ईमान पर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व हबीबना व शफीअना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।